हाँ प्रवीण, आपको ये स्लाइड दिख रही होगी। हाँ ओके ठीक है, तो चलिए अपन बहुत मेहनत करे हैं, आपने भी बहुत मेहनत करी है और आज हम लोग आखिरी पार्ट में आ गए हैं। ठीक है, तो देखिए पिछले पार्ट में हम हाँ लोगों ने लूपिंग स्टेटमेंट देखा था, जिसमें व्हाइल लूप देखा था, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप, ब्रेक एंड कंटिन्यू, कंट्रोल स्टेटमेंट और कैसे नेस्टिंग ऑफ लूप बनाया जाता है, उसके कुछ एग्जांपल हमने समझे थे। आज हमारे पास में सेट ऑफ वैल्यूज को कैसे यूज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो हमें सीखना है। तो इसके अंदर में हम सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ एरे, वन डायमेंशनल एरे, और उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन समझेंगे, फिर टू डायमेंशनल एरे और उसके ऊपर भी कुछ ऑपरेशन समझेंगे। तो इसके द्वारा आप मैक्सिमम एक से ज़्यादा वैल्यूज के ऊपर में प्रोग्राम बना सकते हैं। तो लेट वी विल स्टार्ट विद द आवर सिलेबस। तो देखिए सिलेबस में हमारे पास 30 पॉइंट थे जो हम लोगों ने एक एक करके डिस्कस किए हैं। सारे आपके लेक्चर्स में ये कंप्लीट हुआ है और आज हम लोग 26, 27, 28, 29 और 30, इस तरीके से ये हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का कोर लेवल कहलाता है। ये कोर लेवल है, इसके बाद इसका एडवांस लेवल होता है और उसके बाद इसका बिग दैट इज डीप लेवल होता है। तो डीप लेवल सबसे आखिरी लेवल होता है। तो चलिए पहले इसको हम पूरा कंप्लीट करें और होप सो कि आप बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए और भी उत्साहित होंगे। तो चलिए हम आगे की लेक्चर्स को भी प्लान कर सकते हैं, पर ये आज हमारा आखिरी खत्म हो रहा है कोर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। करना सर करना ही है ही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से जुड़े रहें और हम लोग बहुत अधिक, मतलब अभी बहुत सारे काम भी मेरे पास में आपके लायक भी आ रहे हैं, तो आप जुड़े रहें मेरे साथ और हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे काम। ओके, तो प्रवीण देखिए आज एरे एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, और इस एरे को अगर हम समझ गए तो हम बड़े से बड़े डेटा, जिसको आज की डेट में बिग डेटा बोलते हैं या स्मार्ट डेटा बोलते हैं, इन सब बड़े डेटा को जिसमें बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, उनको हम किस तरीके से अपने डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर सकते हैं। अब मैं इस एरे को डेटा टाइप नहीं बोलूँगा, मैं इस एरे को अब डेटा स्ट्रक्चर बोलना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप अपने आप को एक से ज्यादा वैल्यू के साथ में सेट कर सकते हैं। इस एरे को एक्चुअली मैथमेटिक्स में हम बोलते हैं सेट, है ना? ये जो सेट है, यही सेट थ्योरी इस एरे के पीछे भी लगी हुई है। तो अगर आपको सेट समझ में मैथमेटिक्स का आता है तो आप बहुत जल्दी समझ सकते हैं। और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको किस तरीके से इस एरे को हम लोग यूज करते हैं, ये थोड़ा सा आपको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले डेफिनेशन समझने की कोशिश करिए कि एरे को कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हालांकि हम जो सीख रहे हैं वो एक फंडामेंटल प्रोग्रामिंग C++ में आती है, हर एक लैंग्वेज में एरे की बहुत ज़्यादा नीड है और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको यूज करने के अलग अलग मेथड्स भी हैं। तो चलिए हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक डेफिनेशन छोटा सा बनाते हैं, फिर हम अपने जो प्रोग्राम C++ सीख रहे हैं उसमें इसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो हम एरे को ये बोल सकते हैं, एरे बेसिकली हमारा जो एरे जो समझ रहे हैं, ये एरे नथिंग बट इज ए कलेक्शन। ये एक कलेक्शन के नाम से कहा जाता है और कलेक्शन को आप सेट बोल सकते हैं, ग्रुप बोल सकते हैं। इस कलेक्शन में कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन ये हैं कि
ये सिमिलर डेटा को ही कलेक्ट करेगा, सिमिलर डेटा को। अभी सिमिलर डेटा होता क्या है, तो इसको एक मैंने एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। ये जो सिमिलर डेटा है, ये जैसा आपको यहाँ पर 5 वैल्यूज दिख रही हैं, 10, 30, 50, 60, 90, ये मैंने 5 वैल्यू ली है एज ए एग्जांपल। आप इस एग्जांपल में एक आपको इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि ये 5 के 5 वैल्यू एक इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करती हैं। तो वो डेटा टाइप है इंटीजर। तो इंटीजर अगर सभी वैल्यूज हैं, तो हम इस 5 वैल्यूज को अलग अलग वेरिएबल नाम ना देते हुए एक ही नाम से हम इसे यूज कर सकते हैं। तो एरे हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि इस सेट को एक नाम देके उसके अंदर में इंडेक्सिंग बदल के इन 5 वैल्यू को यूज कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये जो कलेक्शन सिमिलर डेटा आइटम्स का है, इसे स्टोर करना है। अब इसे स्टोर कहाँ करेंगे? इसे स्टोर करते हैं कंटिजियस मेमोरी लोकेशंस में। तो ये इम्पॉर्टेंट टर्म है कंप्यूटर में कि जिसे हम बोलते हैं कंटिजियस मेमोरी लोकेशन। अब ये कंटिजियस मेमोरी लोकेशन क्या होता है, इसे मैं आगे आपको समझा रहा हूँ और इस लाइन को हम खत्म करते हैं कि जैसे ही हम कंटिजियस मेमोरी लोकेशन में इस सेट को, इस कलेक्शन को या इस ग्रुप को जो कि सिमिलर डेटा आइटम है उसे अगर स्टोर करते हैं, तो हमें हर एलिमेंट को एक्सेस करने की राइट्स मिल सकते हैं। और ये जो एक्सेस होगा वो रैंडमली होगा। एक सीक्वेंशियल वर्ड होता है और एक रैंडमली वर्ड होता है। तो सीक्वेंशियली वर्ड का मतलब है 1 by 1। अगर सीरियल नंबर 1, 2 और 3 इस तरीके से 3 सीक्वेंशियल नंबर हैं और इस नंबर पे सपोज करिए कि एक आपका 10 नंबर रखा है, इसमें आपका सपोज 30 नंबर रखा है और थर्ड इंडेक्स में आपका सपोज 60 रखा है। तो सीक्वेंशियल मैनर क्या हुआ हर नंबर को यूज करने का, पहले आपको 1 करना पड़ेगा, फिर आपको 2 करना पड़ेगा, फिर आपको 3 करना पड़ेगा। ये सीक्वेंशियल कहलाता है। पर रैंडमली का मतलब ये है कि आप डायरेक्ट सेकंड में जाके इस 30 को आप एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने का मतलब है कि ये जो एक्सेस वर्ड होता है, एक्सेस का मतलब होता है आप उसे इनपुट कर सकते हैं, आउटपुट कर सकते हैं या फिर उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस इंडिसेस ऑफ एन एरे। तो ये इंडिसेस का मतलब क्या है, ये यहाँ पे मैंने देखिए हर वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक रेफरेंस लिया है और इस रेफरेंस को 1, 2, 3 नंबर दिया है। तो इस रेफरेंस को ही हम बोलते हैं इंडिसेस इन कंप्यूटर टर्म में, और इसको हम इंडेक्स बोलेंगे। अब इंडिसेस एक से ज्यादा, अब हम इंडेक्स की बात करते हैं और इसको 1, 2, 3 को इंडेक्स बोलेंगे। इस इंडेक्स के द्वारा आप अपने वैल्यूज को, तो ये हो गई आपका इंडेक्स जिसको आप आई से डिनोट करिए और ये है आपका वैल्यू, इसे आप डिनोट करिए वी से। तो दो चीजें एरे में होती हैं, पहली होती है इंडेक्स, आप इंडेक्स को यूज कर सकते हैं और आप वी यानी कि आप अपने वैल्यूज को मैप कर सकते हैं। इन दोनों के बीच एक मैपिंग हो गई आपकी, यानी जब भी ये वैल्यू इंडेक्स में आएगा आप इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं। अब हम कंटिजियस मेमोरी क्या होती है इस पर थोड़ा फोकस करके समझ लें कि इसको हम क्यों वर्ड को यूज कर रहे हैं। हम चाहे तो कंटिन्यूअस मेमोरी जो बोलते हैं नॉर्मली उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये कंटिजियस एक वर्ड है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में
और इसे समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ही एक कंसेप्ट है जो हमारे एरे को पूरा करेगा। अब देखिए, आपको इमेज में दिख रहा है एक प्रोसेस वर्ड दिख रहा है और एक मेमोरी ब्लॉक दिख रहा है। अब ये प्रोसेस और मेमोरी ब्लॉक क्या है, इसको समझने की कोशिश करिए। ये जो मेमोरी ब्लॉक है, चाहे वो रैम हो सकता है या वर्चुअल ड्राइव हो सकती है, और ये प्रोसेस का मतलब आपका सीपीयू हो सकता है या कोई आपका एडिशनल सेकेंडरी प्रोसेसर भी हो सकते हैं, आपके मदरबोर्ड की बात हो रही है। तो इस मदरबोर्ड में जो प्रोसेस करना है उस मेमोरी ब्लॉक से हमें उठा के रखना है। सपोज करिए कि आपके पास में यहाँ पर एक वैल्यू रखी है जिसका नाम है 10, इसके बाद आपने वैल्यू रखी है सपोज यहाँ पर आपका है 30, और आपने एक वैल्यू रखी है सपोज करिए कि ये रखी है 60। तो ये तीन वैल्यू को मुझे प्रोसेस करना है। अब ये प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले हमें इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा अपने लिए, जिसमें कि हम डायरेक्टली प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास में मेमोरी ब्लॉक है, ये यहाँ से प्रोसेस करने के लिए जो भी हम बना रहे हैं एक एरे कंसेप्ट में आ रहा है, और इसी को बोलते हैं कंटिजियस मेमोरी। इस कंटिजियस मेमोरी में आपका ये रहता है लोअर बाउंड और ये रहता है आपका लास्टली अपर बाउंड। यानी एक बड़े मेमोरी से एक छोटे मेमोरी में, कंटिजियस मेमोरी में हम निकाल के रखेंगे, अदरवाइज प्रोसेसर में हर इंडेक्स को देने के बाद वो बहुत टाइम लेगा कि हर इंडेक्स में जाके उसको वैल्यू को फैच करे। तो अब डेफिनेशन पर ध्यान दीजिए कि कंटिजियस मेमोरी एलोकेशन क्या होती है। ये एक बेसिकली मेथड है, ये कोई आपके पास में इस तरीके का ये एल्गोरिथम बना के रखा है, एक मेथड बना के रखा है, जिसके अंदर में हम सिंगल कंटिजियस सेक्शन पार्ट ऑफ मेमोरी को एलोकेट करेंगे, जो कि हमारे प्रोसेस और फाइल के लिए कंपल्सरी होता है। तो जब भी हम प्रोसेस और फाइल का नाम लेते हैं तो हमें इस बड़े मेमोरी ब्लॉक से हमारे पास सब चीजें एक छोटे प्रोसेसर में आ जाना चाहिए, जहां से मैं हर चीज को सीक्वेंशियली एक्सेस कर सकता हूं या रैंडमली एक्सेस कर सकता हूं। तो प्रवीण, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंटिजियस मेमोरी हमारे लिए यूजफुल होती है कि हम इस एरे को इस तरीके से शॉर्टकट मेथड में यूज कर सकते हैं। तो चलिए, मैं होप करता हूं कि कंटिजियस मेमोरी में कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए प्रवीण, है ना। तो ये इंटरनल पार्ट है जिसको आप थ्योरी में और अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं एरे, उसको हम इस बड़े वाले फॉर्म से छोटे फॉर्म में लाके एक हमारे पास में टेम्परेरी अरेंजमेंट है सीपीयू के लिए, क्योंकि सीपीयू यहाँ पर बैठा रहता है। अब सीपीयू के लिए अगर मैं बोलूं कि यहाँ से एक्सेस करना है, तो ये फिर पूरा आपको उसको डिटेल हिस्ट्री बतानी पड़ेगी। अगर सीपीयू को यहाँ से एक्सेस करना है तो बहुत फास्ट काम हो सकता है, उसको हम लोअर बाउंड और अपर बाउंड में एक टेम्परेरी क्लोज करके काम कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और इफिशियंट तरीका बनता है सीपीयू के लिए अपने को वर्क करवाने के लिए। अब हम आ जाते हैं अपने नॉर्मल ट्रेंड में, जिसको हम बोलते हैं नीड ऑफ एरे। एरे की भाई नीड क्या है, इतना क्यों मैं इतना आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके पीछे कारण क्या है। अगर कारण को आप समझने लगोगे तो हर चीज आपके अंडरस्टैंडिंग में आने लगेगी। देखिए, कोई भी चीज के पीछे हमें, है ना, कभी भी वाई वर्ड यूज करना चाहिए। अगर हम वाई वर्ड यूज करेंगे ना, तो हमारे पास चीजें समझ में आती है। और इसके पहले हमें व्हाट भी करना चाहिए। जैसे व्हाट यहाँ पर आ रहा है, व्हाट का मतलब क्या हो रहा है, एरे। भाई हमें क्या पढ़ना है, एरे पढ़ना। क्यों पढ़ना है, दैट इज कम अंडर द वर्ड नीड। और उसके बाद एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं हाउ। अब हमको नीड तो है एरे पढ़ने की, लेकिन हम उसको कैसे यूज करेंगे। तो ये आपके बीच में तीन इंपॉर्टेंट वर्ड यूज होने चाहिए, दैट इज द व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ऐसे बहुत सारे
वर्ड्स होते हैं जिसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं, पर ये तीन बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, दैट इज द व्हाट। यहाँ पर आपको अपने आप को लॉक करना चाहिए कि हमें आगे क्या पढ़ना चाहिए, क्या हमारे पास फायदा है, फिर हम उसको क्यों पढ़े। भाई ऐसी बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, इस चीज के पीछे हम क्यों जाए, तो उसमें कम से कम आप 10 बेनिफिट उस चीज के लिए लिखिए कि हमको इस चीज को पढ़ने से ये फायदा होगा। और जैसे ही हमारे माइंड को पता चला कि हमें उसे फायदा मिल गया है, तो वो आपको प्रोसेस में डाल देगा और उसे वो किसी भी तरीके से आपको पढ़ने पर मजबूर करेगा और आप तुरंत पढ़ के अपने नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए, व्हाट तो हमारे पास एरे हैं, अब हम वाई के तरफ जा रहे हैं और उसके बाद हाउ के तरफ भी जाते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर वाई का मतलब, ये व्हाट का वाई का मतलब समझिए, वाई वी नीड एन एरे, ये क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहली बात है कि मेरे को कुछ नंबर के ऊपर होमवर्क करना है या प्रोग्रामिंग बनानी है। तो देखिए मेरे पास सपोज करिए कि कुछ 99 नंबर्स हैं, उसे मुझे कोई सम बनाना है या मुझे उसमें से बिग निकालना है या स्मॉल निकालना है या मुझे उसके ऊपर में कोई मतलब एक प्रोसेस डिसीजन लेना है, तो इन सबको मैं किस तरीके से यूज करूंगा। तो सबसे पहले आपको इंडिविजुअल वेरिएबल बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल वेरिएबल में आपके वैल्यूज होंगे और उस वैल्यूज को आपको आगे इस तरीके से प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगा नंबर जीरो, तो इसमें ध्यान देंगे कि दो चीजें हैं, एक तो नंबर है और एक जीरो है, लेकिन ये एक साथ मैंने लिखा है, तो ये एक बन गया हमारे लिए आइडेंटिफायर या फिर वेरिएबल का नाम, नंबर जीरो हो गया। अब देखिए नंबर वन है, फिर नंबर टू है, नंबर थ्री है और लास्टली नंबर 99 है। यानी ये टोटल नंबर कितने हैं? ये टोटल नंबर है 100। कहां से शुरू हुए? ये जीरो से शुरू हुए हैं और कहां खत्म हुए? 99 में खत्म हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुझे अगर 100 वैल्यूज के ऊपर कोई वर्क करना है, तो सबसे पहला काम क्या है? फाइंड द इंडिविजुअल वेरिएबल नेम। सबके नाम मुझे एक जैसे रखने पड़ेंगे। अगर मेरे पास सपोज करिए कि 100 स्टूडेंट्स हैं और 100 स्टूडेंट का मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उन्हें नाम देना पड़ेगा और वो नाम ऐसा होना चाहिए कि वो दूसरे के नाम से क्लैश ना हो, यानी दूसरे के नाम से कभी भी मुझे डुप्लीकेट ना मिले। तो हर वैल्यू को मुझे एक नाम देना कंपलसरी हो जाता है। तो मैंने कंपलसरी के लिए अभी देखिए एक टेक्निक यूज करी है। मैंने यहाँ पर राम, श्याम, घनश्याम, मोहन इस तरीके से वेरिएबल का नाम नहीं बनाया है। यहाँ पे मैंने एक अपने लिए, अपना सेल्फिश, ये मेरा लालच है ना, मेरी लालच क्या है कि मुझे 100 वैल्यू को याद रखना है, ये मेरा लालच है। तो देखिए मैं लालच के हिसाब से अपना वर्क कर सकता हूँ कि मैं सभी वैल्यूज जो कि मुझे नंबर पर डिपेंड दिख रही हैं, तो मैं उनका नाम नंबर लिख देता हूँ और इस नंबर के साथ मुझे हर एक नंबर का एक यूनिक नाम चाहिए। तो यूनिक नाम के लिए सबसे सिंपल क्या है? यूनिक नाम के लिए मैं उसे जीरो से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, एक सेकेंड, तो देखिए यहां पे मैंने अपने लालच के कारण नंबर लिया है और नंबर के साथ मैंने 0, 1 और ये 99 लगा दिया। तो इससे बस मेरा फायदा ये है कि मुझे याद रखने को ठीक हो जाता है कि भाई इस वेरिएबल में टोटल 100 नंबर्स रीड करने, तो इनको मैं अगर इस तरीके से याद रखूंगा तो ये मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी भी मेरे पास सबसे इम्पोर्टेंट दिक्कत क्या हो रही है कि इन पूरे नंबरों को मुझे टाइप करना पड़ेगा, इन पूरे नंबरों को मुझे सी इन सी आउट या जो भी ऑपरेशंस हैं उसमें मुझे यूज करना पड़ेगा।
तो आज के डेट में एरे जब हमारे पास अवेलेबल है, तो जब एरे अवेलेबल है तो क्यों नहीं हम एरे को यूज करें। और यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि एरे के जगह में हम यहाँ पे नंबर विद स्क्वायर ब्रैकेट 0 लिखते हैं, फिर नंबर इन ब्रैकेट 1 लिख दें और नंबर विद स्क्वायर ब्रैकेट 99 लिख दें। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का फायदा ये है कि ये वैल्यूज जो इंडिविजुअल थी अब वो सेट में आ गई हैं, और इन सब में मुझे नंबर कॉमन दिख रहा है, और 0199 को हम इंडेक्स बना देंगे, यानी कि आई के फॉर्मेट में लेके जाएंगे, तो हमारे पास में इमिडिएटली क्या बनेगा, हमारा एरे बन सकता है। अब इसको पूरा समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा एक प्रोग्राम जिसको हम विदाउट एरे पहले समझेंगे और फिर एरे के द्वारा समझेंगे। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया है मैंने कि आपको 5 नंबर रीड करने हैं, पहला काम है। उसके बाद उनका सम निकालना है, और उसके बाद उन नंबरों को जो हमने नंबर रीड किए हैं उन्हें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 नंबर हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 4 और 5, ये 5 वैल्यू है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इस 5 वैल्यू को मैंने रीड कर लिया, और रीड करने के बाद मैं इन्हें सम करूंगा और इन्हें मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा, यानी मेरे पास जो आउटपुट आना है वो किस तरीके का आएगा, पहले तो इनका सम आएगा, तो इनका जो सम होगा वो होगा 15। अगर हम करके देखें तो हमें पता चल जाएगा 5 4 9, 9 1 10 और 3 2 5 यानी 15 होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक तो आउटपुट आना चाहिए 15, तो ये आ जाएगा सम के द्वारा। दूसरा हमें प्रिंट करना है रिवर्स ऑर्डर में, तो रिवर्स ऑर्डर का मतलब है कि सबसे पहले 5 आएगा 1 के जगह, क्योंकि 1 हमें 5 में रिप्लेस करना है, फिर 4 आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए और फिर 1 आना चाहिए। तो इस तरीके से हमें पूरे अपने आउटपुट लेके आना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, रीड हमें पहले 5 नंबर का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो एज्यूम करिए कि लेट फर्स्ट नंबर इज n1, सेकेंड नंबर इज n2, थर्ड नंबर इज n3, n4, n5। तो आपके पास 5 नंबर दिख रहे हैं। अब ये 5 नंबर को हम इमिडिएटली अपने ऑपरेशन में डाल देते हैं। तो सबसे पहले रीड ऑल 5 नंबर, तो मुझे n1 करना है, n2 करना है, फिर n3 करना है, फिर n4 करना है, n5। इस तरीके से हम 5 वैल्यूज जो हमने यहाँ पर ली हैं ये 5 वैल्यू को रीड कर लिया। अब इसके बाद हमें सम निकालना है, तो सम कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला बनाएंगे। तो सम इज इक्वल टू n1 + n2 + n3 + n4 एंड n5। तो ये फॉर्मूला के द्वारा इन 5 वैल्यू को मैं इस 15 में स्टोर कर लूंगा। अब मुझे क्या करना है, प्रिंट द नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। तो देखिए मैंने यहाँ पर रीड किया था n1 n2 n3 n4 n5, तो ये ऑर्डर को मुझे रिवर्स करना है। तो रिवर्स कैसे करेंगे, n1 के जगह n5 लाइए, फिर 4 ले आइए, 3 लाएंगे और 2 लाएंगे, उसके बाद 1 लेके आएंगे। तो ये मेरा कंसेप्ट जो टास्क दिया है वो टास्क मेरा कंप्लीट हो गया कि मुझे 5 नंबर रीड करने हैं, 5 नंबर का सम निकालना है और 5 नंबर को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो अब इसको प्रोग्राम वाइज समझिए। तो देखिए प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पर एज यूजुअल जो लेते हैं इंक्लूड आईओ स्ट्रीम है और नेम स्पेस एसटीडी, तो हमारे पास एक एसटीडी का नेम स्पेस हो गया स्टैंडर्ड। अब इसको हमें अपने फंक्शन के द्वारा यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, जो लेट लिया था उसे डिक्लेयर कर दिया, तो n1 n2 n3 n4 n5 और सम, इन सबको मैंने डिक्लेयर कर दिया इंटीजर से। अब इसको यहाँ पे पहला इनपुट करना है, रीड करना है, उसे इनपुट कर लिया, तो यहाँ पर सी इन लगा के हम इसको यूज करते हैं।
उसके बाद सम निकालेंगे, जहां पे आपको पूरे 5 नंबर का सम फॉर्मूला के द्वारा निकालेंगे। अब इस सम को आउटपुट दे देंगे, जैसे कि हमको समझ में आ जाए कि हमने कैलकुलेशन का आंसर मिल गया है। अब हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो रिवर्स ऑर्डर के लिए प्रिंट के लिए तो हमें सी आउट बनाना पड़ेगा, तो सी आउट बनाया है। और रिवर्स ऑर्डर के लिए देखिए, हमने जो सोचा था कि सबसे पहले N5 होगा, N4 होगा, N3 होगा, N2 होगा, N1 होगा, तो इस तरीके से ये मेरा कोडिंग कंप्लीट होती है। अब इस कोडिंग में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है वो देखिए, इसकी ज्यादा दिक्कत ये है कि 5 नंबर को मुझे डिक्लेयर करना कंपलसरी है, तो ये सबसे पहला हमारे लिए बना डिसएडवांटेज कि भाई हर एक नंबर का मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा। यानी अगर मेरे पास समझिए 10,000 वैल्यूज हैं, तो 10,000 वैल्यूज को सबसे पहले मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर कोई डिक्लेयर नहीं होंगी तो फिर हम आगे उस पर रीड और मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा मेरा बहुत बड़ा डिफिकल्टी है कि मैं इन पूरे नंबर को कैसे, क्योंकि मुझे टाइप करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, टाइप करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग के अंदर कोडिंग करनी पड़ेगी। चाहे आप किसी तरीके से भी कोडिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमको पहले सपोज 10,000 के ऊपर काम कर रहे हैं, तो 10,000 नंबर चाहिए, उसके बाद उसको मुझे प्रिंट करना है रिवर्स ऑर्डर में, मतलब जहां जहां मुझे उस पूरे नंबर का यूज करना है। अभी तो अपन ने 5 नंबर की बात करी है, अगर 10,000 नंबर हैं आपके पास, 10,000 यानी बहुत बड़ी संख्या होती है, इन पूरे नंबर को आपको पहले वेरिएबल बनाना है, फिर सी इन बनाना है, फिर सी आउट बनाना है। सोचिए कि कितना बड़ा काम है जो आप मतलब कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अगर इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक को पढ़ा रहा हूँ या दो को पढ़ा रहा हूँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सपोज 10,000 स्टूडेंट को हमें पढ़ाना है, तो 10,000 स्टूडेंट को जब पढ़ाना होगा तो हमको कोई ना कोई एक मेथड इफिशेंट रखना पड़ेगा कि जिससे कि हमारा टाइम कंज्यूम ना हो, मतलब हमारे पास में जो उसका वर्क है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो और हमारी कोडिंग बहुत जल्दी हो जाए। तो ये सबसे पहला डिसएडवांटेज दिख रहा है मेरे को। दूसरा ये दिख रहा है कि ऑल वेरिएबल आर टाइप इन दैट्स वाई ऑल सेम डेटा टाइप। चलिए ये तो ठीक है, इसको एक बार इंट में मैं लिख के सबको डाल सकता हूँ, लिख लूंगा। लेकिन यहाँ पे मुझे और एक चीज समझ में आ रही है कि द वे इन विच दिस वेरिएबल आर डिक्लेयर इंडिकेट दैट द वेरिएबल स्टोर दिस नंबर हैव ए सेम नेम। हमें तो दिख रहा है कि सबका नाम सेम है, एन 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 और एन, सबका नाम सेम है, एक्सेप्ट द लास्ट करेक्टर। लास्ट करेक्टर ही तो बदल रहे हैं आप, 1 कर रहे हैं, यहाँ पे 2 कर रहे हैं, यहाँ 3 कर रहे हैं, ये 4 कर दिया, ये 5 कर दिया, तो ये लास्ट करेक्टर ही तो बदल रहे हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ा आपके पास में टेक्निक आपने नहीं लगाई है। तो अगर इसको मैं यूज करता हूँ तो एवरी टाइम ईच वेरिएबल हैव टू रिमेम्बर, भाई मुझे सबको पहले समझना पड़ेगा। सपोज 10,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनके इंडिविजुअल नाम को याद रखना इट इज़ ए वेरी डिफिकल्ट। एक दो बच्चों का नाम रखना तो ठीक है, उसको समझ सकते हैं, लेकिन सबका नाम याद रखना इट इज़ ए वेरी वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, उसके बाद चांस सबसे ज़्यादा किसके बढ़ जाएंगे, एरर के बढ़ जाएंगे। जब भी आप टाइप कर रहे हो तो एक नॉर्मल टाइपिस्ट भी 2-3 बार प्रूफ निकाल के देता है, तब जाके हम उसके उसके टाइपिंग को अप्रूव्ड करते हैं। तो आप सोचिए कोडिंग में कितना टाइम लग जाएगा केवल और केवल टाइप करने में। ठीक है, फिर वो टाइप होने के बाद उसको फिर प्रोसेस करना है। तो ये जो कोडिंग है हमारी सबसे ज्यादा कंज्यूम करेगी टाइम को, यानी बहुत टाइम ले लेगी। तो क्यों नहीं हम अपने आप को थोड़ा सा मॉडर्न करें, थोड़ा सा और यूजफुल मोड में लेके जाना चाहिए। तो देखिए किस तरीके से जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एरे, और एरे में हमारे पास में है दैट इज द 1-डायमेंशनल एरे। हम अभी 1-डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे डायमेंशंस बन सकते हैं जिसको हम अपने आप में 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, ऐसे बहुत सारे D हैं।
आजकल आप फिल्म भी देखते होंगे तो उसमें भी आपको बहुत सारे डायमेंशन समझ में आते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि वन डायमेंशनल एरे, तो देखिए वन डायमेंशनल एरे को हमें समझने के लिए पहला स्टेप क्या है, उसको कैसे डिक्लेयर करें। ठीक है, हमें पता है कि डेटा टाइप इंट होता है, फ्लोट होता है, केयर होता है, तो इनको ही हमें यूज करना है। तो इसका हमें पहले सिंटेक्स को समझना पड़ेगा। तो सिंटेक्स क्या बोलता है, सिंटेक्स बोलता है कि सबसे पहले आप टाइप लगाइए जो भी डेटा टाइप से आपको करना है। तो पहला क्या है, डेटा टाइप इंट हो गया, तो टाइप के जगह आपने इंट कर दिया। इसके बाद आपको लिखना है एरे का नाम, यहाँ पर हमने एरे का नाम एन ले लिया है। अब इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करना है, सेमी कॉलन लगाना है। देखिए ये तीन जो करेक्टर हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो ये तीनों करेक्टर हमको यहाँ पर भी दिख रहे हैं एग्जाम्पल में। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट एरे साइज। तो एरे साइज को अब ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर 5 लिया है, तो ये 5 का क्या नीड है मेरी, क्योंकि मेरे पास 5 वैल्यू है तो मैंने 5 ले लिया, अगर 10 होगी तो 10 ले लेंगे, हर को हम ले सकते हैं। लेकिन एक हमारे पास रूल ये कहलाता है कि जो साइज ऑफ एरे है वो इंटीजर होना चाहिए, यानी ये 1.2, 1.3 या 5 या फिर आपका करेक्टर वाइज ऐसा नहीं हो सकता, ये इंटीजर में रहेगा और वो भी आपका ग्रेटर देन 0 रहेगा। यानी एक वैल्यू लेनी है, एक वैल्यू लेनी है आपको तो यहाँ पर 1 लिखना ही है, 2 वैल्यू लेनी है 2 लिखना है, 3 है तो 3, मतलब वहां से एरे स्टार्ट होगा, 0 नहीं लिख के काम करना है। एन 0 का मतलब 1 नहीं होता है, अगर हमने यहाँ पर 0 लिख दिया तो इसका मतलब आपका गलत हो जाएगा, यानी ये ग्रेटर देन 0 होना कंपलसरी। अब इस एरे को समझने के लिए हमारे पास एक बहुत सुंदर सा आपके पास विजुलाइज करने के लिए है कि इस एरे को सपोज करिए मैंने एरे का वेरिएबल arr लिया है और यहाँ पे मैंने 0 लिखा है। तो सबसे पहली बात है कि arr क्या है, ये है आपका एरे वेरिएबल और यहाँ पे मैंने जो 0 लिया है ये है इंडेक्स। तो ये जो a0 मैं बता रहा हूँ ये एक्चुअल में 0 को पॉइंट करेगा, ठीक है ना। इस 0 को पॉइंट करने के लिए हमें बनाना है a0, अगर 1 को पॉइंट करना है तो a1 बनाएंगे, अगर 2 को पॉइंट करना है a2 बनाएंगे, 3 को करना है इसी तरह, 4 को करना है इस तरह, 5 को करना है। यानी अगर इसको मुझे डिक्लेरेशन करना है तो कैसे करेंगे, इसको डिक्लेयर करने के लिए सबसे सिंपल है कि अगर सारे में इंटीजर वैल्यू है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, इंट लिख दीजिए। अब इंट लिखने के बाद एरे का नाम क्या बनाएंगे, एरे का नाम बनाएंगे arr और इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे। अब स्क्वायर ब्रैकेट में हमें साइज ऑफ एरे लिखना है, तो इस साइज ऑफ एरे में क्या लिखेंगे, अब ध्यान से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी टोटल यहाँ पर 6 वैल्यू दिख रही है और इसे मुझे डायरेक्टली 6 लिखना पड़ेगा, लेकिन जो ये 6 है वो 0 से 5 है, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखेंगे, 6 का मतलब होता है 0 से 5, यानी जब इंडेक्स की बात होती है ना, जब इंडेक्स की बात होती है तो ये 0 से ही स्टार्ट होता है और ये 0 से 5 तक बनेगा, यानी ये 5 का मतलब हो गया 0 to 4, ये 0 to 4 बात कर रहा है, और जब हम 5 यहाँ पर हम 6 लिख रहे हैं तो ये 0 to 5 की बात हो रही है। तो ये 2-3 चीजें आपको ध्यान से समझ के रखनी पड़ेगी याद में, तो फिर हम जल्दी से अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमें देखना है कि हम किस तरीके से इसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। देखिए कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, पहला होता है डिक्लेयर करना और दूसरा होता है इनिशियलाइज करना। अगर ये 2 चीजें हमें समझ में आती हैं तो हम बहुत फास्ट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, क्योंकि हर वेरिएबल को डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज करना, और तीसरा होता है एक्सेस करना, यानी कि आपको DIA का कंसेप्ट याद रखना है। तो देखिए इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं, तो जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं वैसे ही हम इसे इनिशियलाइज कर रहे हैं। जैसे 5 वैल्यू होती और उसे इनिशियलाइज करना है तो क्या करते हैं आप, इंट लिखेंगे,
इंट के बाद में, मतलब ये ट्रेडिशनल विदाउट एरे की बात कर रहा हूं मैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, एन जीरो, पहला वैल्यू हो गया एन जीरो, और एन जीरो को आप ले लीजिए सपोज 10, तो ये पहला वैल्यू आपका इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा वैल्यू दीजिए आप, तो दूसरे वैल्यू को आप इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे एन वन लिख दीजिए आप, इज इक्वल टू 20 कर दीजिए। तो इस तरीके से आप हर वैल्यू को वेरिएबल के साथ इनिशियलाइज कर देंगे। इनिशियलाइज करने से फायदा क्या होता है, क्योंकि हर वैल्यू का एक, हर वेरिएबल का एक वैल्यू निर्धार हो जाता है, निर्धार कर, मतलब आप उसे कांस्टेंट बना देते हैं, निर्धारीकरण कर देते हैं, जिससे कि कभी भी हमें वो गार्बेज वैल्यू ना मिले। तो नॉर्मली हर वेरिएबल को हमें कोई वैल्यू से इनिशियलाइज करना, भले आप जीरो से कर दीजिए या कोई इनिशियल वैल्यू से कर दीजिए। कभी कभी हमें यही वैल्यू सी इन के काम भी आ जाती है, तो अगर मैंने कोई वैल्यू इनिशियलाइज की है तो मान के चलिए सी इन करने की जरूरत नहीं है। सी इन क्या करते हैं, सी इन मतलब नए वैल्यू को आपको रीड करना है, तो उस समय सी इन की जरूरत है। मुझे तो भाई इसी नंबर पे काम करना है, तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं लिखूंगा एन इंटीजर, ये पहला लिखेंगे। ये दो चीजें हो रही है, देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो डिक्लेरेशन भी हो रहा है और इनिशियलाइजेशन भी हो रहा है। तो डिक्लेरेशन के लिए हमने जो पिछला वाला सिंटेक्स लिया वही सिंटेक्स हम ले रहे हैं, तो इंट एन फाइव ये मेरा पुराना है, यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगा के खत्म कर देते थे, अब हम उसे इनिशियलाइज कर रहे हैं। इनिशियलाइज देखिए एन फाइव इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, तो आपको एक करली ब्रैकेट लेना पड़ेगा जिससे कि आप अपने वैल्यूज को इसके बीच में स्टोर कर सकते हैं, और लास्टली सेमी कॉलन। तो ये एक मेथड है कि हम अपने वैल्यूज को कैसे इनिशियलाइज करेंगे। एक और तरीका है, आप चाहें तो थोड़ा इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, एन जीरो इज इक्वल टू 10, एन वन इज इक्वल टू 20। ये जो मैंने यूज किया है, देखिए ये है विद विदाउट एरे और ये है आपका विद एरे, तो इसको आप विद एरे के तरफ में समझिए और इसको विदाउट एरे। तो यहाँ पे मैंने लिया है एन जीरो इज इक्वल टू 10, यहाँ पर भी एन जीरो इज इक्वल टू 10, एन वन इज इक्वल टू 20, तो ये n1 इज इक्वल टू 20। इस तरीके से हम विदाउट एरे और विद एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो चलिए हमने दो चीजें इंपॉर्टेंट समझी कि कैसे हमको एरे को डिक्लेयर करना है और कैसे हमें एरे को इनिशियलाइज करना है। अगर ये दो चीज आपको अच्छी तरीके से मालूम हो गई तो मान के चलिए कि आपका तीसरा जो काम है जिसको हम बोलते हैं एक्सेस करना, एक्सेस यानी कि उसे हम सी इन कर सकते हैं, सी आउट कर सकते हैं, मैनुपलेट कर सकते हैं। तो अब हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझना चाह रहे हैं कि हमने डिक्लेरेशन समझ किया, हमने इनिशियलाइजेशन समझ किया, अब हमें उसे सी आउट कैसे करना है। तो देखिए ये चीज मैंने आपको पहले बताई कि हमें पहले डिक्लेयर कैसे करना है, तो डिक्लेयर समझ में आ गया। अब मैंने आपको बताया कि भाई इसे इनिशियलाइज कैसे करना है, तो ये इनिशियलाइज भी आपने कर लिए, तो ये पूरा थॉट कंप्लीट हो गया कि डिक्लेरेशन और इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। अब हमें उसे एक्सेस करना है, यानी मुझे उसे सी आउट करना है। तो देखिए सी आउट के लिए हमने वही चीज यूज की है जो हमने पिछले बार पढ़ा था, दैट इज द लूप। तो हमने यहाँ पर लूपिंग यूज किया है और उसमें भी फॉर लूप को यूज किया है, क्योंकि ये बहुत यूजर फ्रेंडली होता है। इससे मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास 5 वैल्यू को एक्सेस करना है। तो ये एक्सेस कैसे होगा, आई इज इक्वल टू 0 से होगा। तो सबसे पहले आई इज इक्वल टू 0 से करते हैं हम, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कर रहे हैं दैट इज द यूअर, इसके बाद हम कर रहे हैं कंडीशन चेक करना है। तो भाई कंडीशन कैसे चेक हो रही है आपकी, कंडीशन चेक करने के लिए आपके पास यहाँ पर डायरेक्टली एक मेथड है कि आप i लेस देन इज इक्वल टू 4 ले लीजिए। तो ये आपका समझ में आ रहा है कि पहला 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये लिस्ट कहाँ तक जा रही है। हाँ एक बात और, एरे को हम लिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इस लिस्ट को हम, क्योंकि ये वन डायमेंशनल एरे है, तो आपका ये लिस्ट बनते जा रहा है और यहाँ पे बन गया आपका 4, यानी आपकी जो लोअर बाउंड है ये है आपका लोअर बाउंड और ये है आपका अपर बाउंड, ठीक है। तो ये आपका यूबी है
और ये एलबी है, यानी मैंने इस एरे को एलबी और यूबी के बीच में बाइंड कर लिया है। तो एलबी मेरा जीरो है, यूबी मेरा फोर है, आई प्लस प्लस हर इंडेक्स को इंक्रीमेंट करने के लिए है। तो अगर मैं इस सेंटेंस को यूज करता हूँ फॉर लूप के साथ और एन आई, तो देखिए मैंने यहाँ लोकेशन को वेरिएबल बना लिया है। तो लोकेशन पहला जीरो रहेगा, फिर वन रहेगा, फिर टू रहेगा, फिर थ्री रहेगा, फिर फोर रहेगा, फिर फाइव रहेगा। यानी इसको आपको यूज करना है एज ए वेरिएबल, यानी आई जीरो से आपको यूज करना है फोर तक। तो इस तरीके से हम अपने वेरिएबल को चेंज करके, इंडेक्स को चेंज करके इसे हम बना सकते हैं। तो ये मुझे लगता है प्रोग्राम ज्यादा हमारे लिए यूजफुल बन जाएगा बनस्पत आपके इंडिविजुअल वेरिएबल को लेके। अब हम इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन देखते हैं। अब ये देखिए मैं आपको वही ऑपरेशन बता रहा हूँ जो मैंने पहले आपको ट्रेडिशनल बताया था, जिसमें मुझे पांच नंबर रीड करने हैं। ये पांच नंबर मैंने रीड करने के लिए बनाया है, फिर मैंने उसको सम निकालना है, तो मैं उसे सेकंड इवेंट में ले जाऊंगा, सम निकालना है, और थर्ड में मुझे उसे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो देखिए कैसे होगा, यानी लेट आई हैव दिस फाइव नंबर, ये फाइव नंबर मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, ये प्रिंट हो रहे हैं, इसके बाद इनका सम दिख रहा है, इसके बाद इनका रिवर्स ऑर्डर दिख रहा है। तो देखिए पहले 50 आ रहा है, फिर 40 आ रहा है, फिर 30, 20 एंड 10, तो ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होने वाले हैं। अब ध्यान से देखिए, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि मैंने सबसे पहले एक एरे बनाया है। इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिए, पहले एरे बनाया है, एरे की साइज 5 है, यानी कि ये चलेगी 0 से 4 तक चलेगी, है ना। आप अपने आप को बस इस तरीके से रीड करते जाइए, ये चीज के पीछे क्या छिपा हुआ है। एन क्या है, एरे का नाम। इंट क्या है, डेटा टाइप है। इसके बाद फाइव क्या है, एरे का साइज है, जो कि 0 से 4 चलेगा। अब ये क्यों हमने लिया है, क्योंकि हमें इस एरे को इनिशियलाइज करना है। तो एरे को इनिशियलाइज करने के लिए हमारे पास सिंटेक्स है कि उसे कर्ली ब्रैकेट में हमें इंडेक्स बना इनिशियलाइज करना है। तो 10 to 50 हमने पांच वैल्यूज को इनिशियलाइज कर ली है, क्योंकि मुझे सी इन नहीं करना है। अगर सी इन करना है तो आपको इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं। अब एक और वेरिएबल आपने यूज किया है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है सम। अब ये सम से हमें मिलने वाला है 150, लेकिन सबसे पहले हमें ये बता रहना चाहिए कि इनिशियल सम जब कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो मैंने उसे इनिशियलाइज कर दिया है 0 से, तो ये सम जो है वो एरे नहीं है। एन जो है वो एरे वेरिएबल है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस नंबर को प्रिंट करना है और साथ ही साथ इस सम को फाइंड करना है। प्रिंट नहीं करना है अभी, प्रिंट हम फाइंड करने की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर फॉर लूप चलाया है। इस फॉर लूप से सी आउट के थ्रू हमें ये पांच नंबर आउटपुट मिल रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 50, ये पांच नंबर आउटपुट मिल रहे हैं। और साथ में मैंने क्या किया है, मैंने साथ में आपका सम भी निकालना स्टार्ट कर दिया। एक ही मैंने देखिए यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाया है। इस कर्ली ब्रैकेट से ये समझ में आ रहा है कि ये जो फॉर लूप आपने बनाया है उसके अंदर दो स्टेटमेंट है, पहला तो सी आउट है और दूसरा इसमें सम है। यानी जब भी मुझे कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना होगा तो मैं कर्ली ब्रैकेट यूज कर सकता हूँ। तो ये फॉर लूप के द्वारा मुझे प्रिंट हो गया, साथ ही साथ सम भी फाइंड हो गया। लेकिन प्रिंट मैं एक ही बार करूंगा, तो इसे लूप के बाहर लेके आ जाऊंगा। जब लूप के बाहर आएगा तो इसको हम लिखेंगे सी आउट सम इज इक्वल टू सम एंड एल। तो ये सम इज इक्वल टू, तो आपको दिख रहा है कि सम इज इक्वल टू है। इसके बाद जो सम आ रहा है, ये सम आपका वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल से हमें जो भी फाइंड हुआ उसे हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। एंड एल से ये वाला आपका जो नेक्स्ट आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में आने के लिए एंड एल, यानी कि लाइन एंड का कंसेप्ट है। अब हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए रिवर्स ऑर्डर में लिखने के लिए फिर से हमने एक तो मैसेज बना लिया, ये मैसेज का काम कर रहा है, रिवर्स इन नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। अब हमें क्या करना है, बड़ा सिंपल सा काम है, फॉर लूप बनाना है। इस फॉर लूप को मैं अब रिवर्स ऑर्डर में चलाऊंगा। देखिए पहले मैंने रीड किया था, तो कैसे ये आउटपुट कैसे किया था,
जीरो से लेकर फोर तक किया था। तो ये आपका बेसिकली शॉर्ट आपका जीरो से फोर के कंडेप्ट में है। अब मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो जीरो से फोर में ही हैं। अब मैं उसे प्रिंट कर रहा हूँ 4 to 0। तो जब 4 to 0 प्रिंट करूंगा तो 50 पहले प्रिंट होगा क्योंकि ये 4 पे बैठा हुआ है। फिर उसे मुझे डिक्रीमेंट करना पड़ेगा तो मुझे मिलेगा 3। इसी तरीके से फिर डिक्रीमेंट करेंगे तो फिर मिलेगा 2, फिर डिक्रीमेंट करेंगे तो 1, और फिर डिक्रीमेंट करेंगे तो 0 मिलेगा। तो इसलिए मैंने कंडीशन बनाई है कि आई शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। इसके द्वारा हमें यहाँ पे बड़ा इजी ढंग से आपको आउटपुट मिल जाता है। तो ये मेरा टास्क कंप्लीट होता है जिसको एग्जांपल 1 बोलेंगे, जिसमें 5 वैल्यूज को हमें रीड करनी है। इनिशियलाइज कर दिया है, फिर हमने सम निकाला है तो उसे फॉर लूप के अंदर ही कर लिया है। उसके बाद हमने उस नंबर को 5 बार रिवर्स में प्रिंट किया। तो चलिए बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब मैं इसको एग्जाम्पल 2 में लेके जा रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल 2 में हमें क्या करना है, हमें 5 नंबर तो रीड करने ही है, कोई बात नहीं हम इसे रीड कर लेते हैं। अब हमें बिगेस्ट नंबर निकालना है, ठीक है। इन 5 नंबर में हमारा बिगेस्ट नंबर कौन सा है ये हमें पता करना है। देखिए बाय आवर आईज हम अपने द्वारा तो पता कर सकते हैं कि इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 50 है। चलिए आपके पास सपोज करिए कि 5 नंबर के जगह 50,000 नंबर है। अब 50,000 नंबर को आप कैसे एक्सेस करोगे, तो ये एक बड़ा सिंपल टेक्निक बन जाएगी कि आप 50,000 नंबर को इस तरीके से लॉजिक में डाल सकते हैं। तो इसको हम देखिए कैसे लॉजिक बना रहे हैं। सबसे पहले ये है कि भाई ये जो 50 नंबर है, ये 5 नंबर है, उन्हें हमें प्रिंट करना है। तो भाई प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आपको एरे को डिक्लेयर करना है, एरे को इनिशियलाइज करना है। एक हम वेरिएबल बना रहे हैं जिसका नाम है बिग, जिसका नाम है हमारा बिग। तो बिग को हमें यूज करना है, यहाँ पे हम बिग यूज लेके चल रहे हैं। अब इस बिग में हमें एक फॉर लूप बनाना है। तो ये आपका फॉर लूप बन गया है। इस फॉर लूप के द्वारा हमें अपने नंबर को प्रिंट करना है। तो ये आपका नंबर प्रिंट हो गया। तो प्रिंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लॉजिक मैंने पुरानी वाली ले ली। अब बिगेस्ट नंबर निकालना है, फाइंडिंग बिगेस्ट नंबर। तो ये मैसेज मैंने बना दिया है जिससे कि हमारा एक्टिविटी बाय हमारे प्रस्पेक्टिव में चलते रहेगी, भाई हो क्या रहा है कंप्यूटर के अंदर। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर वैसे कुछ चीजें समझना बहुत मुश्किल है, अगर हमें उसे कम्युनिकेट करते जाऊं प्रॉपर ढंग से तो वो मुझे पता चलेगा कि कौन सी चीज कहाँ पर पहुंची है। तो अगर ये आपके पास में डिस्प्ले हो रहा है, यानी हमारा जो एग्जीक्यूशन है यहाँ तक पहुंच गया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक, अब ये लॉजिक स्टार्ट हो रही है। लॉजिक क्या स्टार्ट हो रही है उसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमने कोई एक नंबर, यानी कि पहले नंबर को मैंने ले लिया है बिग, मैंने एज्यूम कर लिया, ये एज्यूम किया है कि भाई पहला नंबर क्या है, बिग है, और ये आपका एन जीरो है। इसके बाद में मैं दूसरे नंबर से, यानी कि पहला नंबर तो बिग हो गया, फिर दूसरा नंबर स्टार्ट होगा 1 से और लास्ट तक जाएगा 4 पे, यानी कि मुझे ये देखना है कि ये जो मेरा पहला नंबर है, यानी कि 10 को मैंने क्या मान लिया, सबसे पहले बिग मान लिया है, ठीक है ना। तो ये लॉजिक है। पहले आप किसी भी नंबर को बड़ा बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आपको प्रूफ करना है कि आपने जो बिग माना है, ये बिग हमने लेट किया है, यानी ये हमने मान लिया है कि भाई ये चीजें आपकी पहले नंबर की बड़ी है। चलो मान लिया, मानने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मानने के बाद हमें उसे प्रूफ करना है कि ये जो बिग नंबर है वो 20 से बड़ा है क्या, तो यस बड़ा है। तो अब मेरे पास में बिग 10 ना होके बिग हो जाएगा 20। अब ये 20 को फिर मैं कंपेयर करूंगा 30 से, तो 30 बोलेगा कि भाई मैं बड़ा हूं, तो भाई ठीक है पुराने नंबर को छोड़ दो। फिर 30 नंबर आएगा 40 पे, तो भाई 40 वाले को पकड़ लो। फिर 40 वाला 50 से चेक करेगा, तो 40 वाला जब 50 से चेक करेगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, एक सेकेंड, तो यहाँ पे हमें 50 वाले को लेके चलना है, ठीक है।
तो 50 वाला जब इस तरीके से होगा तो ये बड़ा नंबर जो आपको दिख रहा है, ये वाला आपको क्या दिखेगा, बड़ा नंबर 50 दिखेगा। तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्रामिंग लॉजिक को बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या बनाया है, यहाँ पे वही लॉजिक है कि सबसे पहले आपका पहला नंबर बड़ा लिया, पहला नंबर बड़ा लिया, उसके बाद में इस नंबर को हमने दूसरे नंबर से चेक किया कि भाई वन, ये हमने स्टार्ट किया वन से और ये कहाँ तक चल रहा है, फोर तक चल रहा है। तो वन पहले आएगा, यानी सबसे पहले हमने बिग मान लिया है 10 को, इस बिग को फिर मैं 20 से कंपेयर करूंगा। तो देखिए वन 10 कहाँ बैठा है, 10 बैठा है 0 पे, फिर वन बैठा है 20 पे, टू बैठा है 30 पे, फिर थ्री बैठा है 40 पे और फाइव बैठा है आपका 50। ठीक है, तो ये हमारा इंडेक्स है। तो अब ये इंडेक्स को देखिए, मैंने पहले वाले को तो बिग बना लिया, ये आपने मैनुअली बना लिया। अब लॉजिक इसके ऊपर लगा दीजिए, आप लॉजिक क्या लगा रहे हैं, ये वन से शुरू होगा और फोर तक जाएगा, यानी वन में अब मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा ये इससे बड़ा है, तो बड़ा है। तो बिग कितना हो गया, तो बिग हो गया भाई 20, पहले 10 था अब वो 20 हो गया। अब इस 20 के ऊपर फिर प्रूफ करेंगे 30 पर लाके, तो भाई 30 के जगह क्या हो जाएगा, अब वो 20 के जगह 30 हो जाएगा बिग। इसी तरीके से इसको 40 में लाएंगे, फिर ये आपका 30 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इस तरीके से हमें अपने आपको अपडेट करना पड़ेगा कि भाई लास्ट बिग कितना है, तो लास्ट बिग है 50। तो इस 50 को मुझे फाइंड आउट करना था जो मैंने कर लिया। अब इसको मैं प्रिंट कर दूंगा, तो ये लूप के बाहर आऊंगा और यहाँ लिखा है कि सी आउट बिगेस्ट नंबर इज बिग। तो जो भी बिगेस्ट नंबर आपने प्रूफ किया है, यानी कि ये 50 को लेके आ जाइए और इस 50 को आप यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए, तो दैट इज द बिगेस्ट नंबर इज 50। तो ये इस तरीके से हमें अपने एरे के ऊपर में अच्छे से ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अपने को लास्ट टॉपिक है टू डायमेंशनल एरे। हमें टू डायमेंशनल को समझना, एक्चुअल में वन डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल, ये दो चीजें होती हैं एरे में। तो हमने वन डायमेंशनल तो समझ लिया, अब टू डायमेंशनल समझते हैं। तो टू डायमेंशनल का मतलब हो जाता है टेबल, वन डायमेंशनल इज द लिस्ट, है ना। वन डी को क्या बोलते हैं, वन डी को बोलते हैं लिस्ट, यानी कि चाहे वो रो वाइज बनाओ चाहे कॉलम वाइज बनाओ, तो इट इज नोन एज ए लिस्ट। तो ये आपकी लिस्ट थी जो कि एक ही डायमेंशन में चलती थी। अब हम बना रहे हैं टू डी। अब टू डी में देखिए सबसे बात अच्छी आती है कि ये टेबल के फॉर्म में आ जाता है। और व्हाट इज मीन बाय टेबल, टेबल का मतलब है आपके पास में, व्हाट इज मीन बाय टेबल, टेबल का मतलब होता है रो एज वेल एज कॉलम। तो यहाँ पर दो चीजें हो जाएंगी आपकी, टेबल का मतलब रो एंड कॉलम के पास में, हम जिसको हम इंग्लिश मतलब मैथमेटिक्स में हम बोलते हैं मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स मतलब है आपका टू डायमेंशनल। तो इस मैट्रिक्स को हम बोल सकते हैं मैट्रिक्स जो कि हम यूज करते हैं। तो देखिए इट इज ए टू डायमेंशनल। आप थ्री डी में भी जा सकते हैं, थ्री डायमेंशनल बनाएंगे तो वो और भी आपका पेज आ जाएगा, यानी कि आपके पास लिस्ट हो गया, टेबल हो गया, पेज, पेज यानी कि आपको पता है कि हर पेज, पेज वन में एक रो कॉलम है, पेज टू में रो कॉलम है, थ्री, फिर फोर डी, फोर डी यानी बुक हो गया, बुक बना रहे हैं आपकी जिसमें नंबर ऑफ पेजेस भी हैं, तो ये फोर डी हो गया। इस तरीके से हम अपने आप को विजुलाइज कर सकते हैं कि ये डायमेंशन बढ़ने से क्या उसका गेटअप या क्या विजुलाइजेशन होगा। चलिए इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। तो इस थ्योरी में ये है कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मल्टी डायमेंशनल, तो ये मैं वर्ड यूज कर रहा था मल्टी डायमेंशनल का। तो ये मल्टी डायमेंशनल एरे यहाँ पर आ रहा है आपका, मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे इज ए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द टू डायमेंशनल एरे। अब ये टू डायमेंशनल एरे इन सेंस दैट इज द लिस्ट ऑफ वन डायमेंशनल एरे। तो ये टू डायमेंशनल क्या है, वो वन डायमेंशनल का लिस्ट है। कैसे लिस्ट है, क्योंकि तो इसके अंदर में अगर मैं एक यहाँ पर जो आपको दिखा रहा हूँ, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये टेबल, इस टेबल में क्या दिख रहा है, देयर आर द थ्री लिस्ट, रो जीरो इज ए वन लिस्ट, रो वन इज ए सेकेंड लिस्ट एंड रो टू इज ए थर्ड लिस्ट। तो ये तीन लिस्ट आपको दिख रही है। तो टू डायमेंशनल इज वॉट,
टू डायमेंशनल इज ए वन डायमेंशनल लिस्ट, तो वन डायमेंशनल एरे की ही ये लिस्ट है। अब इसको हमें सबसे पहले समझना है कि हाउ टू डिक्लेयर दिस टू डायमेंशनल एरे। तो टू डायमेंशनल एरे को हमें लिखने के लिए दो डायमेंशन हमने बनाए हैं, एक तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना, ये टू डायमेंशनल कहलाता है। इट इज ए यूअर एक्स एक्सिस एंड इट इज ए यूअर वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अगर हम यूज करते हैं तो इसे हम किस तरीके से टू डायमेंशनल बनाएंगे। देखिए ये आपके पास है टू डायमेंशनल एरे, ये टू डायमेंशनल एरे बन गया। तो यहाँ पे हमने टाइप लिया है, जैसे हम पहले भी लेते थे टाइप, यहाँ पर इंट ले लेंगे, ठीक है, ये इंट मिसिंग हो गया है। तो इंट, उसके बाद ए, ए क्या है आपका एरे का नाम है, तो ये एरे का नाम आ गया। एक्स क्या है, इट इज ए वन डायमेंशनल। वाई क्या है, इट इज ए टू डायमेंशनल। तो यहाँ पे मेरे पास ए जो एरे का नाम है वो एक्स वाई के फॉर्मेट यानी कि 3x3, तो 3x3 यानी 3x3, तो 3x3 को एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं, 3x3 को बोलते हैं, है ना, एक सेकंड प्रवीण थोड़ा सा यहाँ पे ना। तो देखो 3x3 का मतलब क्या है, 3x3 का मतलब ये है कि 3x3 होता है, तो 3x3 होगा तो ये कभी भी बन जाएगा आपका 9। यानी आप अगर वन डायमेंशन में काम कर रहे हैं तो 9 आपको नंबर लेने पड़ेंगे, और अगर टू डायमेंशन में जा रहे हैं तो आपको 3x3 यानी दो डायमेंशन में हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने इस तरीके से कोई एरे बनाया है टू डायमेंशनल का, तो ये हमें इस तरीके से दिखने लगेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, और ये है मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसके अंदर में पहला जो आपका रहेगा इट इज ए कॉलम जीरो, ये जीरो से स्टार्ट होगा, ये याद रखेंगे, और इसी तरह रो भी जीरो से स्टार्ट होगा। तो पहला जो सेल बन रहा है वो जीरो जीरो का बनेगा, तो रो जीरो कॉलम जीरो, फिर रो वन कॉलम वन, रो जीरो कॉलम टू, रो जीरो कॉलम थ्री। तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पर कल्चर आ सकता है कि रो वन जीरो में ये चार एलिमेंट है, और रो वन में ये चार एलिमेंट है, एंड रो टू में चार एलिमेंट है। तो ये 4x4 का एग्जाम्पल हो गया, इट इज ए 4x4, यानी टोटल यहाँ पर हमें वैल्यू दिख रही है 16। तो ये 16 यानी मैट्रिक्स है, और ये हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए ये आपके पास में क्लियर हो गया कि इसे हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। अब हमारा दो इम्पोर्टेंट बात है कि इसे इनिशियलाइज कैसे करेंगे और इसे हम एक्सेस कैसे करेंगे। तो देखिए सेकेंड इम्पोर्टेंट बात है कि हाउ टू इनिशियलाइज दिस टू नंबर, हमें इनिशियलाइज करना है, तो आप इनिशियलाइज कैसे करेंगे। तो देखिए इनिशियलाइज करने के दो रास्ते हैं, आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं जिसमें रो इंडेक्स 1, 0 और 2 को दिखा रहा है, तो ये इस तरीके से समझने वाली बात है। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं इनिशियलाइज के लिए, जहाँ पे ये अपने आप को यही चीज बनाएगा जो चीज आपने उसको ऊपर में लिखी है बाय डिफरेंट करली ब्रासेस। तो ये आपके डिफरेंट करली ब्रासेस हैं, ये केवल हमको समझने के लिए हैं कि आपका पहले रो में कौन कौन सी वैल्यूज हैं, दैट इज 0, 1, 2, 3 हैं, फिर सेकेंड रो में 4, 5, 6, 7 हैं, और थर्ड रो में 8, 9, 10, 11 है। लेकिन आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, फ्रॉम 0 to 3 लिख दीजिए पहला हो गया, फिर आप इसको लिख दीजिए 7 तक, और फिर लिख दीजिए 8 से लेकर 11। तो इस तरीके से भी आप जो लिखेंगे तो वो दोनों ही बेस्ट है। तो जो भी आपको ज्यादा, देखिए पहले तो हमें समझना है, तो हम डर डर के समझते हैं, तो हम पहले यही यूज करेंगे, तो ये पहला मेथड होना चाहिए। फिर जब हमें कॉन्फिडेंस आ गया अपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, तो हम फिर इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं, थोड़ा स्मार्ट अपने आप को बना सकते हैं, भाई ये इस तरीके से यूज होता है और कोई बात नहीं है। लेकिन जब भी पहली बार सीखे तो आप ट्रेडिशनल सीखिए, तो आपको जल्दी यूज होगा। अब इसके ऊपर हमें देखना है एक्सेस, देखिए कैसे एक्सेस करते हैं।
एक्सेस का मतलब है हाउ टू गेट इनपुट आउटपुट और मैनिपुलेशन। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे समझानी है वो क्या है, देखिए ये आपका डिक्लेरेशन हो गया कि आपने ए को डिक्लेयर किया है 3x3 में, ये मल्टी डायमेंशनल एरे है और इसके अंदर में ये वैल्यूज आपने रखी है, तो ये वैल्यूज आपकी इनिशियलाइजेशन हो गई। हमें इसको प्रिंट करना है, तो ये 3x3 का कंसेप्ट है, तो इसे हमें प्रिंट करना है। पहले रो में आ रहा है 10, 20, 30, फिर 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो इसे प्रिंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टू डायमेंशनल एरे को यूज करने के लिए दो लूप लगेंगे। लिस्ट को यूज करने के लिए वन लूप लगता था और टू डायमेंशनल को यूज करने के लिए दो लूप लगेंगे। थ्री डायमेंशनल में 3 लूप लगेंगे, 4 डायमेंशनल में 4 लूप लगेंगे। जैसे जैसे डायमेंशन बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ लूप भी बढ़ेंगे। तो अब हमें यहाँ पर ध्यान से ये देखना है कि ये 10, 20, 30 इसके बाद में हम यूज क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने हर एक चीजें आपको क्लियर बताई हैं। पहला लूप आपका आई से चल रहा है, दूसरा लूप जे से चल रहा है। तो यहाँ पे हमने लिया है एक कर्ली ब्रैकेट और ये है आपका एक कर्ली ब्रैकेट, तो ये इस लूप को बता रहा है। ठीक है, मैं कलर बदल देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों अलग अलग है। तो ये आपका सेकेंड आ गया, तो यहाँ पे आपके डबल आ गया। ठीक है, तो पहला लूप के अंदर में दूसरा लूप भी यूज हो रहा है और दूसरे लूप को जैसे क्लोज करेंगे तो आपको यहाँ पर एंड लाइन लिखा है। तो ये एंड लाइन क्या कर रहा है, दिस इज द बेसिकली एंड लाइन, यहाँ पे हमने लिख दिया एंड लाइन। तो ये एंड लाइन क्या करेगा, ये आपके रो को प्रिंट करने के बाद, ये रो को प्रिंट करने के बाद सेकेंड लाइन में हमें 40 देगा। तो इसके लिए ये एंड लाइन का यूज किया गया है। ये एंड लाइन यहाँ पर वही दिखा रहा है कि हाउ टू मेक ए न्यू लाइन इन दैट, ये न्यू लाइन उसी से बनाया गया है। तो मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम आपको बहुत सिंपल ढंग से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें इसको यूज करना है। तो इट इज ए बेस्ट अप्रोच कि हम किस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। चलिए अब लास्ट प्रोग्राम हम देख रहे हैं जो इस आपके उसमें है, दैट इज द योर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ये लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा है जिसमें हम ऑपरेशन ऑन टू डायमेंशनल देख रहे हैं। तो ये लास्ट प्रोग्राम है, आप इसको सबको प्रोग्राम को अच्छे से देखिए, बनाइए, जो नहीं समझ में आया वो बार बार बताइए। अपने आप को लीड लेने की अब आपको जरूरत है। हाँ बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रहा है, देखिए अब आपके पास कैपिटल ए वाली बात नहीं है, अब आप कम से कम ओ एम तक भी पहुंच गए हैं, वहां से अब आप अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश कर। देखिए हमको कभी ना कभी तो ड्राइव करना ही पड़ेगा। देखिए जो भी चीज हम सीखते हैं, जैसे हमने सपोज कार सीखी है तो ठीक है, हमने जब तक सीख ली लेकिन हमें उसको लेके फिर प्रैक्टिकल में जाना तो पड़ेगा ना। अगर हम जा ही नहीं सकते हैं तो फिर वो सीखने का कोई मतलब नहीं है। तो आपको सीखना तो इसी तरीके से पड़ेगा जब तक आप फील्ड वर्क नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको लास्ट प्रोग्राम समझा रहा हूँ कि आपको 3x3 मैट्रिक्स को रीड करना है और यहाँ पे उसे सम निकाल के प्रिंट करना है। तो देखिए ये है तो प्रोग्राम बिल्कुल वन डायमेंशनल जैसे ही, लेकिन इसको हमें टू डायमेंशनल में बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, एक एरे को यूज किया है, एरे का नाम ए है और उसका वन डायमेंशन 3 है, टू सेकेंड डायमेंशन भी 3 है, यानी कि 3x3 है, तो ये टोटल 9 एलिमेंट को एकोमोडेट करेगा। तो पहला 3 ये है हमारे पास, दूसरा 3 ये है और तीसरा 3 यहाँ पर ये है। ये 3 आपके रो हो गए, यानी कि टोटल 9 एलिमेंट है और ये 9 एलिमेंट को हमें सम निकालना है। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम सम है और ये 0 से इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि पहला शब्द तो 0 होना कंपलसरी होता है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लूप लगा रहे हैं, अगर विदाउट लूप होता तो सम इज इक्वल टू 0 नहीं लगता है। ठीक है, तो इस चीज को हमको इस तरीके से समझना है तो जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हमने फॉर लूप एक बनाया है, इट इज ए फर्स्ट फॉर लूप, ये आपका पहला फॉर लूप है
और यहाँ पे आपका सेकंड फॉर लूप है। तो देखिए दो फॉर लूप हमें दिख रहे हैं क्योंकि ये टू डायमेंशनल में हमारा इनपुट है। तो जब तीन दो डायमेंशन में इनपुट है तो हम यहाँ पर दो ले रहे हैं, अगर थ्री डायमेंशन में इनपुट होता तो हम तीन लेते, लाइक दैट। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से अपना पहला फॉर लूप बनाना है। इसमें हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है आई से और यहाँ डिक्लेयर किया है जे से। तो i इज इक्वल टू जीरो, i लेस देन थ्री, i प्लस प्लस, तो j इज इक्वल टू जीरो, j लेसर देन थ्री, j। तो ये एक नॉर्मल फॉर लूप का कंसेप्ट है। यहाँ पे हम सिंपल क्या कर रहे हैं, सम को फाइंड कर रहे हैं, और ये जब सम को फाइंड करेंगे तो हमको इसका सम टू डायमेंशन में निकालना है। तो हम टू डायमेंशन, ओके। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर समझा कि टू डायमेंशनल में हमें किस प्रकार से काम करना है। तो दो लूप मैंने लगाए हैं, वन और टू। तो पहला लूप आपका रो के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा लूप आपके कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब रो इज इक्वल टू जीरो टू वन टू थ्री होगा और जे आपका जीरो से थ्री होगा तो यहाँ पे सम निकल के आएगा। हर एक वैल्यू को ध्यान से देखिए, तो आपका आई और जे, ये आयत कंसेप्ट में चल रहा है, आई जे का आयत कंसेप्ट जो होगा वहां पे आपको वैल्यू निकल के आ रही है। तो यानी सबसे पहले जो वैल्यू है 10, तो ये 10 आपका लोकेशन क्या बोल रहा है, इट इज ए 0,0, ये वैल्यू बता रहा है, ये 0,0। तो देखिए पहला आई जीरो से स्टार्ट है, दूसरा जे जे जीरो से स्टार्ट है। तो सबसे पहले यहाँ क्या बना, ए ऑफ जीरो, तो ये 0,0 बना है। तो सबसे पहले यहाँ पर सम क्या आएगा, सम आएगा आपका 10। ये लोकेशन आपको 0/0 की चल रही है, यहाँ पर आएगा 10। तो सम हमारा इनिशियल सम क्या था, इनिशियल सम हमारा था 0, तो ये 0 सम था। तो 0 + 10, तो ये हो गया टोटल आपका यहाँ पर क्या बना, टोटल 10 बना। तो सम सबसे पहले 10 हुआ, फिर दूसरे बार हम यूज करेंगे तो ये क्या है आपका 0,1 है, तो यहाँ पर 0,1 आएगा। तो ये सब सेकंड आ जाएगा आपका 0,1। जब 0,1 आएगा तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 20 लिख दूंगा, ठीक है। अब मेरा सम क्या है, अब सम है 10, ऑलरेडी सम हमारे पास क्या है 10 है। तो 10 + 20 इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ने के बाद फाइनल सम कब बना, फाइनल सम बना 20 + 10, दैट इज द 30, ठीक है। तो ये एक और मैं बता देता हूँ फिर आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। चलिए एक और बनाते हैं ना, ये लास्ट हमारा बनेगा। तो 30, अब 30 कौन से लोकेशन में, 30 है आपका 0,2 है, ठीक है। तो यहाँ तो देखिए यहाँ पे लास्ट हम एग्जाम सैंपल ले लेते हैं, जो कि मुझे मेरे पास में क्या 30 मेरे सम में पड़ा है। तो अब मुझे लास्ट वैल्यू लेनी है, दैट इज द आपका 0,2। तो ये 0 हुआ, अब ये फिर से देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 0,2 आएगा। अब 0,2 में क्या वैल्यू मिलेगी, 30 वैल्यू मिल गई है। तो ये 30 वैल्यू को हम पुराने वाले 30 से हम ऐड कर देंगे, तो 30 + 30 क्या हुआ आपका, दैट इज द 60। यानी पहले रो का मेरे पास सम आ गया, पहला रो है ना, तो 10 + 20 + 30 यानी कि इसका कंप्लीट वर्क हो गया और ये आ गया 60। तो पहले रो में मुझे 60 मिल गया। अब जैसे रो 16 होगा फिर क्या होगा, ये आपका 0,1 हो जाएगा और 2 कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले अगर मैं 40 को निकालना चाहूँ तो 40 कौन से लोकेशन में है, ये 1,0 पर है। तो इस तरीके से ये लूप का इंटरप्रिटेशन हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए बहुत अच्छे से मेहनत किया अपन ने और आपको समझाने की कोशिश भी हम लोगों ने की है और आपको जरूर समझ में आएगा। तो ये फाइनल सम जब हम निकल के आ रहे हैं तो फाइनल सम हमारे पास आना चाहिए 450। तो आप इसको यूज करिए अपने प्रोग्राम में, रन करके देखिए, जरूर आपको इस पर कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर कोई दिक्कत होती है तो हम लोग बैठे ही हैं, आप हमसे बात करिए और हो सकता है कि आपके डिस्कशन में कोई नई चीज आपको और समझ में आएगी। तो थैंक यू एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड वी आर वेटिंग फॉर द
next more classes. Thank you.